प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। निर्मला के दो बेटे थे, एक चंगू और एक मंगू। चंगू का बचपन से ही एक हाथ एक पैर और मुंह टेढ़ा था, लेकिन मंगू उतना ही चुस्त और बुद्धिमान था। चंगू ने जब से बोलना सीखा था, वैसे तो वह बोल ही नहीं पाता था, एक एक शब्द को बोलने के लिए बहुत समय लेता था, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत बोलता था उसमें सबसे ज़्यादा बस यही बोलता था, राधा रानी के चरण। बस यही शब्द उसकी जिह्वा पर रहते। एक दिन में चार बार यही शब्द दोहराता और उसको दोहराने में भी बहुत समय लेता। रात को सोते वक्त भी ना जाने उसको कैसा स्वप्न आता, एकदम से उठकर जोर जोर से रोने लगता और अटकते अटकते बस यही बोलता, राधा रानी के चरण। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते कि ना जाने यह क्या कहना चाहता है। एक बार स्वप्न देखकर उसकी नींद टूट जाती तो वह दोबारा नहीं सो पाता। बस सुबह जब उसकी माँ उसके पास आती तो रो रो कर उसका तकिया गीला हुआ मिलता। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत दुखी होती, ना जाने मेरा बेटा क्या कहना चाहता है, क्योंकि ना तो वह ढंग से बोल पाता था और ना ही अपनी बात को समझा पाता था। एक दिन चंदू की ताई उसके घर आई। चंदू की माँ ने अपनी परेशानी उनको बताई तो चंदू की ताई ने कहा कि यह राधा रानी के बारे में कुछ कहना चाहता है, तुम उसको एक बार बरसाना धाम ले जाओ, शायद वहाँ जाकर इसको थोड़ा सुकून मिले। तो चंदू की माँ ने कहा, क्या आप भी मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मैं तो वहाँ काफ़ी समय से नहीं गई, जब से शादी हुई है तब से मेरा बरसाना जाना कभी नहीं हुआ। उसकी ताई ने झट से हाँ कर दिया, हाँ हाँ तुम्हारे कारण तो मुझे भी किशोरी जी के दर्शन हो जाएंगे। अब मंगू अपने पिताजी के पास रहा और चंदू की ताई और उसकी माँ चंदू को लेकर बरसाने धाम की तरफ चल पड़े। बरसाने धाम पहुँचते ही चंदू का चेहरा खुशी से खिल उठा, अब तो जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। बरसाने धाम की सीढ़ियाँ चंदू बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा था, क्योंकि उसका एक पैर टेढ़ा था, उसको चढ़ने में मुश्किल आ रही थी। बरसाना में उस दिन कोई उत्सव चल रहा था जिससे सीढ़ियों पर काफ़ी भीड़ थी। चंदू की माँ और ताई उसको पकड़ पकड़ कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी, लेकिन चंदू बहुत जल्दी थक जाता। तभी चंदू ने इशारों में कहा कि आप दोनों ऊपर जाकर मंदिर के प्रांगण में बैठो, मैं धीरे धीरे अपने आप आ जाता हूँ। चंदू की ताई ने कहा, ठीक है हम ऊपर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो चंदू ने इशारों में ही उन्हें हाँ कह दिया। अब चंदू धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से किनारों किनारों से सीढ़ियों का सहारा लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वहाँ पर छोटी छोटी कुछ बालिकाएँ थीं, सबके माथे और मुख पर राधे राधे का तिलक लगा रही थी। तभी एक छोटी सी कन्या चंदू के पास आई और बोली, अरे ये तो कैसा टेढ़ा सा चल रहा है, यहाँ टेढ़ों का कोई काम नहीं, टेढ़ा तो यहाँ सिर्फ एक ही है और वो है हमारा नंदलाल कान्हा कृष्ण मुरारी, उसके अलावा यहाँ और कोई टेढ़ा नहीं रह सकता। इतना कहते ही उसने चंदू के मुख पर राधे राधे का तिलक लगा दिया। उसने पहले चंदू के माथे पर और फिर उसके दोनों गालों पर चंदन से घुला हुआ राधे राधे का तिलक लगा दिया। चंदन की ठंडक अंदर जाते ही धीरे धीरे उसके मुख पर टेढ़ा लिखा हुआ राधे राधे अब सीधा होने लगा था। चंदू का मुख भी अब एकदम से सीधा हो गया। चंदू तो हैरान हो गया, तभी वह बोला, राधा रानी के चरण। उसने देखा कि अब वह अटक अटक कर नहीं बोल रहा था, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह फिर बोलना चाहता था, राधा रानी के चरण, लेकिन खुशी के आंसू उसके गले में अटके हुए थे, जिसके कारण उससे बोला नहीं जा रहा था। अब वह कन्या हंसती हुई उससे आगे निकल गई, दो तीन सीढ़ियाँ उससे आगे चल रही थी। तभी अचानक से उस कन्या ने, जो कि बहुत ही सुंदर घाघरा चोली पहनी हुई थी, उसके पैर में उसका घाघरा अटक गया। वह एकदम से सीढ़ियों से गिरने लगी। चंदू उसके पीछे पीछे चल रहा था। चंदू ने पूरा जोर लगाकर उसे रोक लिया, उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। कन्या एकदम से मुस्कुराकर बोली, अरे ये टेढ़ो तो सीधो हो गयो। चंदू एकदम से हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने आप को देखा तो उसने देखा उसकी टांग और बाजू बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। अब वह हैरान होकर उस कन्या की तरफ देखने लगा और सिर्फ यही बोलना चाहा कि राधा रानी के चरण। तो वह कन्या बोली, यह बार बार राधा रानी के चरण कह रहा है, चलो तुम्हें किशोरी जी से मिला दूँ और उनके चरणों के दर्शन करा दूँ। वह उसका हाथ पकड़कर मंदिर के प्रांगण में ले गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर के पट बंद होने से मंदिर में बहुत ज़्यादा संकीर्तन हो रहा था। संकीर्तन की राधे राधे की धुन में चंदू और वह कन्या झूम झूम कर नाचने लगे। चंदू की माँ और ताई वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठे थे, लेकिन चंदू के मुख पर राधे राधे लिखा था और उसके हाथ और पैर भी अब सीधे हो गए थे,
इसीलिए वह चंदू को पहचान नहीं पाए। वे लोग बड़ी बेचैनी से चंदू के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चंदू तो उस कन्या के साथ नाच रहा था। नाचते नाचते भी चंदू बस यही कहे जा रहा था, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। तभी अचानक बहुत देर तक नाचने के कारण चंदू को चक्कर सा आ गया और वह गिर गया। अचानक से कन्या के पैरों में गिर पड़ा और एकदम हैरान हो गया। उसको कन्या के चरण नजर आए। अरे, ये तो वही चरण थे जिनको वह कितने सालों से स्वप्न में देखता आ रहा था। और वह एकदम से बोला, राधा रानी के चरण। अभी वह उन चरणों को छूना ही चाह रहा था, तभी एक भक्तों की टोली उस कन्या और चंदू के बीच में आ गई। वह कन्या उसके पीछे हो गई। चंदू उठा और जोर जोर से पुकारने लगा, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। लेकिन अब वह कन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वह मंदिर में भागता हुआ जोर जोर से पुकारने लगा, राधा रानी के चरण। यह शब्द सुनकर उसकी माँ और ताई चंदू की तरफ देखने लगे और पहचानने की कोशिश करने लगे। अरे, यह शब्द तो चंदू बोलता था। तभी उन्हें चंदू पहचान में आ गया। वे उसके पास जाकर बोली, अरे चंदू, तू ठीक कैसे हो गया? तू तो बोल सकता है। लेकिन चंदू को तो कोई होश ही नहीं था। वह अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से झिकझोड़ने लगा और कहने लगा, माँ, मैं इतने सालों से जो सपना देखता आ रहा था, सपने में जो चरण देखता आ रहा था, आज मुझे वही चरण नजर आए। लेकिन वह कन्या ना जाने कहाँ चली गई। वही मेरी किशोरी जी थी, वही मेरी राधिका जी थी, वही मेरी लाडो थी। इतना कहकर जोर जोर से मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर किशोरी जी को बुलाने लगा, हे राधे, आप कहाँ हो? हे राधे, आप कहाँ हो? मुझे आपके चरण देखने हैं, मुझे आपके चरणों का दर्शन करना है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मंदिर में आए हुए सभी भक्त उसकी तरफ देख रहे थे। उसका इतना करुणा क्रंदन सुनकर सभी भक्त प्रेमियों की आंखों में आंसू आ गए। अरे, यह कितना भक्त है जो किशोरी जी को इतने प्रेम से पुकार रहा है। चंदू हर कोने में जाकर किशोरी जी को ढूंढने लगा, उस कन्या को ढूंढने लगा, लेकिन वह उसको कहीं भी नहीं मिल रही थी। वह बार बार जाता, अपनी माँ को पकड़कर कहता, माँ, मुझे अपनी किशोरी जी से मिलना है, उनके चरणों का दोबारा दर्शन करना है। अब माँ भी उसके साथ रोती जा रही थी और उसे ढांढस बंधा रही थी। तभी मंदिर में एक बुजुर्ग औरत उसको पकड़कर कहती है, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? तो उसने कहा, मैं किशोरी जी को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है? यहीं थी अभी, कहाँ चली गई? तभी वह बुजुर्ग महिला बोली, अरे, वह सामने देखो, लाल जी के साथ हमारी किशोरी जी ही तो खड़ी हैं, उनके दर्शन कर लो। चंदू ने आंखों को पोंछा और मंदिर की तरफ गया तो उसने देखा, लाल जी के साथ किशोरी जी खड़ी हैं। अब उसने किशोरी जी के चरणों की ओर देखा तो जो कन्या के चरण थे, जो चरण उसे सपने में नजर आते थे, वही चरण लाडली जी के थे। वह जोर जोर से ऊंची ऊंची छलांग लगाकर बोलने लगा, राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। साथ ही साथ गोल गोल घूम घूम कर जोर जोर से किशोरी जी के जयकारे लगाने लगा। बाहें फैलाकर किशोरी जी को अपने पास बुलाने लगा। तभी अचानक से किशोरी जी के गले से हार उतरकर चंदू के गले में पड़ गया। मंदिर के खड़े सभी भक्तजन यह सब देखकर, चंदू की भक्ति और किशोरी जी का वात्सल्य देखकर भाव विभोर हो गए और जोर जोर से राधे राधे का जयकारा लगाने लगे। बोलो करुणा में सरकार, लाडली जी की जय। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।